हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग। एक्चुअली मैंने आई थिंक ये बहुत पहले किया था, क्योंकि उसके बाद मैं जितने भी सामान खरीदी नियर अबाउट मुझे सब कुछ पसंद आ ही गए थे एंड कुछ कुछ हो रहे थे। तो जितने भी हॉल्स किए या फिर जो कुछ मैंने नया ट्राई किया, तो उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ कि जो मुझे पसंद नहीं आए हैं। इसमें मेकअप प्रोडक्ट भी है, हेयर केयर भी है और स्किन केयर प्रोडक्ट भी है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे पसंद हो वो आपको पसंद ना हो एंड वाइस वर्सा, लाइक जो आपको पसंद, जो आपका फेवरेट हो मुझे पसंद नहीं आया हो। तो दैट डजेंट मीन कि हाँ ये प्रोडक्ट बुरा है या मैं किसी एक ब्रांड को बैश कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हिट होती हैं, कुछ मिस होती है एंड ऑब्वियसली मेरा स्किन, आपका स्किन, हमारे सब कुछ स्किन टेक्सचर एंड हेयर टेक्सचर ये सब अलग होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कौन सा प्रोडक्ट किसको कैसा सूट करता है। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ स्किन केयर से रिलेटेड कि ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट, कि आप अपना पैच टेस्ट कर लीजिए कि हाँ आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। और सर आपको ये लुक जानना है कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, आपको इस तरह का फेस्टिवी काइंड ऑफ वाइब्स ऐसा कुछ लुक चाहिए, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, हैंड में ही डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इस तरह का एक फेस्टिव काइंड ऑफ सीजन कर रही हूँ, उसमें एक जिसमें मैं पूरा लुक बुक शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से ड्रेसअप करते हैं कभी भी कोई भी ओकेजन के लिए। बहुत ही नेचुरल काइंड ऑफ रख रही हूँ, लाइक ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रावागेंट कर रही हूँ कि आपको नया कुछ ड्रेसअप करना पड़े या फिर आप जो बाहर पहन नहीं आ सकते। बहुत सिंपल काइंड ऑफ है, आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो घर पे। और सर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनको इनमें से कोई चीज़ खरीदना हो तो उनके रिव्यू मिल सके कि हाँ ये कैसा वर्क करता है। इस साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। और सर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं ऐसे भी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देता रहे। सो विदाउट एनी मोर ब्लैबरिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई स्किन केयर मेरे पास सिर्फ एक ही है एंड दैट इज गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क, लाइक यू कैन सी मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया। ओह गॉड, सबसे पहले तो मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है, लाइक स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा स्मेल नहीं करता था, बट एक टाइम पर पता नहीं वो जो ऑयल कैसे पुराना हो जाता है तो किस तरह का स्मेल करता है, उस तरह का स्मेल करने लगा था। तो वो तो सबसे, अभी जैसे मैंने अपना लिड खोला, इसका लिड खोला तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है क्यों हो रहा, ख़राब हो गया क्या हो रहा है। एंड सेकेंड, ये लिखा हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क डीप क्लेंजिंग। डीप क्लेंजिंग क्या है, कुछ क्लेंज नहीं करता, लाइक एक नॉर्मली आपको क्ले एंड इसमें काओलिन क्ले भी है, बेंटोनाइट भी है, तो ये सारा क्ले होता है। तो क्ले मास्क लाने के साथ आपको स्किन बहुत क्लीन एंड बहुत सॉफ्ट फील होता है, मुझे उससे ये भी नहीं होता है। डीप क्लीनिंग तो दूर की बात है, मुझे नॉर्मल क्लीन भी फील नहीं होता है, इसलिए मेरे रिग्रेट बाइंग में एंड मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। नेक्स्ट इज़ हेयर केयर, एंड हेयर केयर में पास दो प्रोडक्ट है एंड फर्स्ट वन इज़ गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल। एक्चुअली मैं सेकेंड बॉटल, इससे पहले मैंने सिर्फ 100 ml वाला मंगाया था, तो मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं, लाइक हाँ आई थिंक वो पहले ख़त्म होने वाला था, मतलब ख़त्म होने से पहले मैंने सेकेंड बॉटल मंगा लिया था। एंड मैं हर वीडियो में, मतलब मैं मैक्सिमम वीडियो में जिसमें हॉल में करती हूँ उसमें बताती हूँ मैं बहुत इम्पल्सिव बायर हूँ, तो ये मेरा इम्पल्स बाय था। तो पता नहीं मैंने क्यों खरीदा था एंड मुझे ऐसा इसको लगाने का कुछ हेयर में ड्रास्टिक चेंज दिखा, इनफैक्ट मेरा हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था जितना नॉर्मली होता है, लाइक ऑयलिंग करने का भी हेयर फॉल होते ही, बट इसको लगाने का थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो एक्चुअली मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हो सकता है बहुत लोगों को सूट किया हो बट मुझे नहीं किया बेसिकली। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ बहुत बेकार लगता है, लाइक अगर कोई भी ब्रांड जो होते हैं वो की इन्ग्रीडियंट लिखते हैं तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं, लाइक की इन्ग्रीडियंट क्यों लिखना है, पैसे क्या डाले हो जो कि आपको अपने कंज्यूमर से आपको छुपाने का जरूरत है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है ओलिया यूरोपिया, दैट इज साइंटिफिक नेम फॉर ऑलिव ऑयल, ऑलिव। तो अगर आप ऑलिव ऑयल निकाल रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि प्योर फॉर्म है एंड ये ऐसा नहीं कि प्योर फॉर्म है, इसमें एक्चुअली प्रिजर्वेटिव डाला गया होगा उसको ये करने के लिए, तो उसमें आप ऐसे क्या डाले हो जो आपको छुपाने की जरूरत पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। एंड ऑल्सो मेरा हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो गया एंड मुझे कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज दिखा नहीं इसको लगाने का, जैसे नॉर्मली मुझे मेरा मस्टर्ड ऑयल से लगता है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। सो इसलिए मैं इसे मोस्ट प्रोबेबली विंटर्स में पता नहीं, मतलब मैं इसे कैसे भी करके यूज़ कर लूँगी, या तो मोस्ट प्रोबेबली जिसको ये सूट करता हूँ मैं फैमिली में किसी को, तो मैं उसे दे दूँगी। सो या नेक्स्ट प्रोडक्ट ये था। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अनदर हेयर केयर, दैट इज़ गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल। तो एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, मतलब
यूट्यूब वगैरह में, पता नहीं क्यों आई लाइक शॉर्ट हेयर्स, बट फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक हेल्दी हेयर एंड काइंड ऑफ, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे देखा था कि हाँ कैस्टर ऑयल है, फिर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ा था कि कैस्टर ऑयल इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ, तो मैंने ये गुडवाइज का कैस्टर ऑयल मंगाया है एंड इसमें भी सेम चीज़ है, की इंग्रीडियंट लिखा हुआ है एंड बाकी और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट द थिंग इज़ ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया क्योंकि इसको लगाने के बाद ही मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा क्रेजी टाइप हो गया था, जिसकी वजह से मतलब मुझे नॉर्मली जब मेरे बाल सूख जाते हैं ना तो ड्राई हेयर में अगर मैं कोम करती हूँ तो मेरे 2 से 3 बाल टूटते हैं, जब भी मैं कोम करती हूँ ज़्यादा मेरे बाल नहीं टूटते, बीट मानसून और एनी सीजन में मानसून में बाल नहीं टूटते, जबकि जनरली लोगों के बाल टूटते हैं, मेरे नहीं टूटते, बट इस ऑयल को लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल वॉज लाइक, मैं ऐसे ही बाल करूँ ना तो मैं बाल टूट के आते थे हाथ में, सो इसीलिए इट्स अ नो नो फॉर मी, लाइक अभी तक मैं जितने भी प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे है उन सब में अगर सबसे ज़्यादा मुझे रिग्रेट किसी को हुआ है लेके तो इसे हुआ है, तो इसे तो मैं किसी को दे ही दूंगी क्योंकि मुझे सूट नहीं करा, एटलीस्ट किसी के काम आ जाए, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करने वाली हूँ, रखा रखा एक्सपायर हो जाएगा तो इससे अच्छा ही किसी के काम ही आ जाए, तो मैं किसी को दे दूंगी। नेक्स्ट आते हैं मेकअप पे, एंड मेकअप मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय की हैं, तो इस टाइम पे मैंने बहुत सारा मेकअप बाय किया क्योंकि आई स्टार्टेड माई चैनल, चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने बहुत सारा मेकअप और एक्स्ट्रा बाय किया था, क्योंकि कुछ रिव्यू वगैरह कुछ कुछ करना होता है तो इसलिए मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है। फर्स्ट इज ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, एंड ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है क्योंकि पहला बार मैं अपने सारे मेकअप को साफ़ करती हूँ, ठीक है, मैं इतना गंदा नहीं रखती हूँ, बट द थिंग इज़ ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, मतलब पता नहीं इसका बॉटल इतना ज़्यादा स्टिकी कैसे हो गया, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये स्टील वाला, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, एंड दूसरा क्या है इसमें अल्कोहल है, तो मोस्ट ऑफ द मेकअप फिक्सर्स में अल्कोहल होता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ इसका स्मेल टाइम के बाद मे बी शायद उस अल्कोहल की वजह से बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गया, लाइक बहुत गंदा सा स्मेल आता है इसको स्प्रे करने का, और इसका जो पम्प है ये एक्चुअली इसका पम्प बहुत ज़्यादा हार्श है, लाइक ये एक ही जगह पे फोकस करता है, लाइक अगर मैंने मेकअप किया और मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ तो ये जिस जहाँ पे एक जगह जो फोकस करेगा, मेकअप फिक्सर अच्छा है बट जहाँ ये फोकस करेगा वहाँ का मेकअप गायब हो जाता है, मतलब हट जाता है वहाँ से, मूव हो जाता है। हार्ड फाउंडेशन के साथ ट्राई किया कि हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये हमेशा वैसे ही होता है, बट हाफ है मैं इसे किसी तरह यूज़ कर, लाइक आई कैन शो यू, लाइक अगर आपको कैमरा में पिक किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत हार्शली ये निकलता है, सो या मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ स्मेल एंड हार्श नेचर। नेक्स्ट इज अगेन ब्लू हेवन का, दिस इज न्यू फाउंडेशन, हाई कवरेज फाउंडेशन, आई डोंट नो ब्लू हेवन का फाउंडेशन का मिक्सचर और समथिंग कुछ अलग ही है, जो कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पैची होता है, ये हाई कवरेज लिखा हुआ है बट हाई कवरेज बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली ये काइंड ऑफ लो टू मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है, एंड अगर आप इसको बिल्ड करते हैं तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट, अगर आपको बिल्ड करना पसंद है तो बिल्ड करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा। दूसरा इसके शेड रेंज बहुत कम है, लाइक 5 शेड्स है, एंड मेरा शेड मैंने लिया था नंबर 101 क्रेम बेज, बट दिस क्रेम बेज वॉज लाइक मच मोर डार्कर देन माई स्किन, मैंने इसका पूरा एक रिव्यू किया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको देखना हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको उसमें कैमरे में क्या होता है ना, मतलब यहाँ पे पूरा लाइटिंग सेटअप लगाया हुआ है, लाइक मैंने रूम का लाइट्स लगाया हुआ है एंड मेरा रिंग लाइट है, तो उससे क्या होता है ना स्किन टोन वगैरह या फिर आपको जो ब्लेंडिंग है उतना दिखेगा नहीं, या फिर हो सकता है इसका फाउंडेशन का शेड बहुत ज़्यादा लाइट दिखे, बट ये आखिर मेरे फाउंडेशन मेरे शेड से बहुत ज़्यादा डार्क है। अनदर प्रोडक्ट इज ऑल्सो ब्लू हेवन, मुझे एज अ ब्लू हेवन ब्रांड लाइक आई लव ब्लू हेवन का लिपस्टिक, आई लव ब्लू हेवन का मस्कारा एंड आई लव देयर पाउडर ऑल्सो, लाइक द कॉम्पैक्ट वन, मुझे वो तीनों चीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये तीन जो मुझे पसंद नहीं आए तो इसलिए बता दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही ब्रांड को बैश कर रही हूँ। दिस इज ब्लू हेवन का फोटो परफेक्ट कंसीलर, फुल कवरेज कंसीलर, फुल कवरेज मुझे नाम से हंसी आई, आई थिंक इसका भी मैंने वही फुल रिव्यू किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड इट सेज फुल कवरेज बट इट इज़ नॉट एट ऑल फुल कवरेज, इसका एक्चुअली जीरो कवरेज है। जैसे मैं इसे लगाती हूँ ये सेपरेट होना शुरू होता है, लाइक पानी के सर्फेस पे, लाइक पानी कहीं जैसे आपने मॉपिंग की है या पोछा मारा है एंड उस पर हल्का से तेल गिरा के आप उसको जब मिक्स करते हो तो कैसे वो सेपरेट होने लगता है, ये वैसे ही कुछ हो जाता है, सेपरेट होने लगता है। एंड मैंने इसका पूरा रिव्यू किया हुआ है जिसमें मैंने आई थिंक 3 लेयर्स लगाए थे कंसीलर के, बट स्टिल कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था, सो दिस इज़ अ शेटी कंसीलर एंड ये 150 रुपीज़ का है, बट आप बोलो ये 150 रुपीज़ में एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, तो 150 रुपीज़ का स्विस ब्यूटी कंसीलर भी आता है एंड दैट इज़ लिटरली हाई कवरेज, मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छा कंसीलर है ना, लाइक मेरा अभी तक का जो बेस्ट कंसीलर है दैट इज स्विस ब्यूटी कंसीलर, सो आई डोंट लाइक दिस कंसीलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज
अभी तक जितने मैंने दिखाया था काइंड ऑफ अफोर्डेबल है, ये थोड़ा प्राइसी है साइड में. इज निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड सिप्रस और साइफर, आई डोंट नो ये पूरा इसका नाम है, एक ही है. ओके, आई लव निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. मैंने इसका 3 लिपस्टिक ट्राई किया है. न्यूड मैट शेड, न्यूड शेड दिख रहा था तो मुझे लगा कि पिंकिश काइंड ऑफ न्यूड शेड हो जाएगा, बट जब ये आया एंड व्हेन आई ट्राइड इट, लेट मी शो यू दिस वॉच. मतलब ये कलर थोड़ा सा मुझे वॉश आउट करता है. लाइक नेक्स्ट का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इज द बेस्ट लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक यू कैन फाइंड, बट द शेड, ये जो शेड रेंज है मुझे इतना ज़्यादा वॉश आउट करता है कि मतलब मेरा फेस अजीब दिखने लगता है. तो बेसिकली मुझे इसका सिर्फ शेड से प्रॉब्लम है, बट मेरे 600 रुपये चले गए हैं इसमें, तो रिग्रेट बाइंग में तो आना ही था. सो या दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट एंड अब मैं इसे कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँ. लाइक कोई डार्क लिपस्टिक को लाइट डाउन करने के लिए मैं नॉर्मली न्यूड शेड यूज़ करती हूँ, ऐसे तरह का शेड जो मुझे वॉश आउट करता है, तो मैं उसे इसमें यूज़ कर लूँगी, तो इसका कोई टेंशन नहीं है. बट मुझे ओवरऑल ये लिपस्टिक पसंद है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है, बट द थिंग इज मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका शेड पसंद नहीं आया है. सो या दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट. सो येस गाइज, दैट वॉज अ वीडियो. आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, उनको कुछ चीज़ लेना हो उसमें से तो वो उस पहले देख सके एंड देन अपना डिसीजन फाइनल कर सके. एंड ऑल्सो अगर मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाय हिटिंग द रेड कलर सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा उससे भेंट कर दे ताकि आपको हमारे सभी वीडियो से हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे. और सर आपको वीडियो लुक जानना है या फिर सर कुछ और मेकअप देखना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा एक लुक बुक कर रही हूँ फेस्टिव सीजन का, तो उसका हैंडल मैं यहीं के डाल दूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय.